बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का रेशा कबाब रेडी हैं, दो डिफरेंट शेप में, एक सर्कल शेप में, एक ओवल शेप में। आप इसके साथ केचप भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन टिक्का कबाब बनाने के लिए मैंने 1/2 kg बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैंने बॉयल करके रेशे रेशे कर लिए हैं। इसमें मैंने 1/2 teaspoon नमक ऐड किया था बॉयल करते वक्त। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें बॉईल कर लिया है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम आलू डाल देंगे बॉईल किए हुए। इसे हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आलू मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें रेशे किया हुआ चिकन डाल देंगे। अब हम इसमें 4 ग्रीन चिलीज फाइन चॉप की हुई डालेंगे, 2 टेबलस्पून पुदीना डालेंगे बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज का फाइन चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे फाइन चॉप किया हुआ, 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाल देंगे, 1/2 teaspoon पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, 1/2 teaspoon चिली फ्लेक्स डाल देंगे, 1/2 teaspoon नमक डाल देंगे, 2 teaspoon डालना है ये। ¼ cup इसमें हम ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसको ऐसे हाथ की मदद से प्रेस कर देंगे। आप इसकी डिफरेंट शेप बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसी तरह मैं बाकी सब रेडी कर लूंगी। मैं 2 डिफरेंट शेप्स बना रही हूँ, एक सर्कल शेप में बनाए हैं, राउंड शेप में यानी, और एक ओवल शेप में। अगर बच्चों के लिए बनाएं तो बच्चे तो डिफरेंट शेप बहुत ही पसंद करते हैं, लाइक दिस। इस तरह बाकी सब रेडी कर लो। कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें कोटिंग करने के लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अंडों को हम चम्मच की मदद से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब हम कबाब लेंगे। सबसे पहले हम इसे अंडे में डिप करेंगे, फिर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह फोल्ड करेंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ऐसे हम सारे रेडी कर लेंगे। कबाब्स पर हमने कोटिंग कर ली है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें हम ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे।
अब हम इसमें कबाब डालना शुरू करते हैं। हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। अब हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पलट देते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करते हैं। अब हम कबाब निकालना शुरू करते हैं। कबाब मैक्सिमम फ्राई हो चुके हैं। चिकन टिक्का रेशा कबाब रेडी है। अब बाकी के जो कबाब रह गए हैं हम उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनकी साइड पलट देते हैं। कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का रेशा कबाब रेडी हैं, दो डिफरेंट शेप में, एक सर्कल शेप में, एक ओवल शेप में। आप इसके साथ केचप भी ले सकते हैं।